दुनिया कहानियों से भरी हुई है। दुनिया को समझने के लिए आपको उनकी कहानियाँ समझना ज़रूरी है। फिर चाहे वो बिग बैंग की थ्योरी हो, दादी या नानी की उनकी कहानी, या फिर हमसे जुड़ी हुई कहानी। नमस्कार, मैं सुनिधि दीक्षित आप सबका इस कॉन्क्लेव में स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आज क्वेश्चन आंसरिंग सेशन से पहले बोलना चाहूँगी, जो मैंने आज रियलाइज़ किया कि जब मैं इस कॉन्क्लेव में आई थी तो मैं जसप्रीत मैम के पास एक टॉपिक लेके आई थी कि मुझे स्टोरी टेलर बनना है। एंड मैंने जब भी अपनी स्पीच दी तो कोशिश करी कि मैं स्टोरी से बोलूँ। आज मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक बंदे ने स्टोरी बोली है अपनी स्पीच में। सो अच्छा लगा देख के कि यहाँ अभी हर कोई स्टोरी टेलर हो गया है। और आज पता चल रहा है कि सुनिधि का गला खराब है। हाँ, हाँ लग रहा है। हाँ, आवाज में पता चल रहा है कि गला खराब है। आपने बोला भी था ना। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड है। सुनिधि, एक साल से मैं आपको देख रही हूँ और मैंने आपकी जर्नी देखी है, जहाँ आपने अपनी स्टोरी बताई, लिखी, बहुत ही इम्पैक्टफुल थी। तो जब आप आए, आपने कहा था मैं स्टोरी टेलर बनना चाहती हूँ, जैसे आज भी आपने कहा। बट इस बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिली वॉइस ओवर, एक उस तरफ जाने की, तब आपने क्या सोचा और आपको आपने उसको किस तरह अपने जीवन में उतारने का के लिए सोचा, उस वॉइस ओवर को? अच्छा, मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे ये जी करना चाहिए? ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कहीं जाने की सोचते हैं तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जगह से जुड़ी होती हैं जहाँ आपको पहुँचना है। तो मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत सर्टेन वे में आती हैं आपके पास, और ये आपको रिकॉग्नाइज करना होता है कि आपको उन्हें कैच करना है या नहीं करना। तो आई बिलीव कि मुझे कभी भी कोई ऑफर मिला जिसके लिए मैं कैपेबल हूँ, और अगर मुझे लगता भी है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ तो मैं उसको ट्राई करके उसमें फेल होना ज़्यादा बेटर समझूंगी बजाय उसको रिजेक्ट कर देने के। तो कोई भी ऑप्शन मिला आगे भी तो भी मैं करूँगी, और इसीलिए मैंने वो ऑफर बजाय की कोई भी रिजेक्ट नहीं। करके बजाय की ट्राई ही ना करना। हाँ, ट्राई वन वे टू से दिस इज दैट सो देयर इज वन ऑप्शन दैट यू ट्राई एंड यू डोंट सक्सीड एंड सेकंड इज दैट यू डोंट इवन गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई। तो अब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो कि आप अपने आप को मौका भी नहीं देते हो कि मैं ये ट्राई करूँ। हाँ, ओके, यस स्वीटी। आप हमेशा से देखा है आपको एक अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ रही हैं, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आपके लिए? क्या मायने रखती हैं आपके लाइफ वेरी में? इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डर नहीं लगता। और मैं मुझे लगता है कि आपको भगवान जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आप उतनी ज़्यादा दूर जाते हो, आप उतना स्ट्रांग होते हो, और आपका रास्ता उतनी दूर का होता है, आप उतने ऊंचे पहुंचते हो। सो आई एम हैप्पी कि मेरी लाइफ अभी तक जो भी है, टफ थी जैसी भी थी, बट आई एम सेटिस्फाइड। और अगर आगे और भी टफ होती है, जो कि होगी, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी का मतलब ही है टफ होते जाना, वो टफ होती जाती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसकी टफनेस बढ़ती जाती है, और टफनेस बढ़ती रहेगी आप उसको जितने अच्छे से टैकल करते रहो। तो मेरे लिए है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की टफनेस बढ़े। आज मेरा एक बच्चा है, कल दो हो जाए, तीन हो जाए, आई डोंट केयर। मैं सच में मैं तीन बच्चों को भी ग्रो कर सकती हूँ। आई एम एबल टू, मैं इवन सोच भी, अभी तो नहीं सोच रही, बहुत जल्दी होगा, लेकिन मैं सोच सकती हूँ। और गौरव से पूछना गौरव भी रेडी हो जाएंगे, हमारा उनका थिंकिंग बहुत मैच करता है। ओके, सुनिधि,
वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, कोई ऐसा एग्जांपल आपको याद आता है रिस्पांसिबिलिटी का जो आप अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर से जिससे आप रिलेट कर सकें? मैम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, अगर वो जो आप आंसर स्वीटी को दे रहे थे ना उसमें अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हाँ तो वो कन्विंसिंग हो जाता है क्योंकि अच्छा, कुछ लाइंस रिपीटेटिव हो रही, तो इसलिए मैंने कहा। तो मैं आज ही का एग्जांपल दूंगी। आज ना गौरव की तबीयत ठीक है, ना अवि को भी फीवर आ रहा है, और आज ओला की भी स्ट्राइक चल रही है। सो बिकॉज मैंने मैम को प्रॉमिस किया था कि मुझे यहाँ आना है, और प्रॉमिस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं निभाऊँ, क्योंकि वो बिलीफ से जुड़े होते हैं और मुझे किसी का बिलीफ तोड़ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज लोकल से आई खड़े हो गए तो अभी मैं पूरी तरीके से मुंबईन हो गई हूँ। मुझे लगा देन खारगर से मुझे नहीं शायद मिले ओला तो मेरे लिए फिर से प्रॉब्लम होगी, सो मैंने लोकल ही पिक किया। यस वेरी गुड। यस थैंक। आपको अगर अपनी जिंदगी में कोई एक चीज जो आपके बहुत क्लोज हो वो अगर सैक्रिफाइस करनी हो तो वो क्या होगी और उसके बारे में थोड़ा सैक्रिफाइस करनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारी चीज ये भी जरूरी है कि मैं सैक्रिफाइस किसके लिए कर रही हूँ। तो अगर ये बात मेरी मैं तभी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ किसी से इसके लिए जब वो बात मेरी फैमिली से रिलेटेड है, मेरे बच्चों से या मेरे हस्बैंड से। और किसी के लिए सैक्रिफाइस शायद नहीं करूँगी। तो अगर उनके लिए सैक्रिफाइस करने को आएगा तो मैं अपने किसी ड्रीम के साथ सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, क्योंकि अनदर वे वो भी मेरा ड्रीम है, तो वो प्रेफरेंस है मेरी लाइफ में। और बिकॉज आई एम अ इमोशनल पर्सन तो मैं अपनी फैमिली के साथ साथ बढ़ना पसंद करूँगी बजाय अकेले बढ़ना। कोई ऐसी चीज जो आप ओल्ड फैशन वे में करना ही पसंद करते हैं? ओल्ड फैशन, अच्छा इंटरेस्टिंग, सोचना पड़ेगा। ये सोचने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, जरूर होगी। हाँ मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी इवन अपने जनरेशन में भी जो मुझे थोड़ा सा यू नो मुझे थोड़ा सा कम कंफर्टेबल लगती है। जब मैं इसका एग्जांपल दूंगी, मैं जब कॉलेज में थी, जब बहुत टाइम नहीं हुआ, तो हमारी जनरेशन में भी ये चीज़ थी और नई वाले में बहुत है। जो जैसे आजकल फ्रेंडशिप होती है ना बॉयज़ एंड गर्ल्स की, सो इक्वली होती है, नो प्रॉब्लम। बट क्या हो गया है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, यू नो कोई भी किसी से किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई भी किसी से कैसे भी साथ बैठ रहा है। सो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि मतलब फ्रेंड्स हैं या बहुत ज़्यादा खास फ्रेंड्स हैं या समवन स्पेशल है। सो आई बिलीव कि वो आपको कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए एक लिमिट ड्रॉ करनी ज़रूरी है। वो बच्चों को भी आना चाहिए, वो मुझे, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है मुझे फ्रेंडशिप करना नहीं, इवन आई एम नॉट अ यू नो कि पुराने ख्यालों की हूँ, लेकिन मुझे लगता है हाँ मुझे किससे किस लिमिट में बात करनी है, किस लैंग्वेज में बात करनी है और किस बॉडी लैंग्वेज में बात करनी है, ये मेरा अपना। और मुझे ये भी फील होता है कि जो लैंग्वेज मैं ऑप्ट करूँगी वही सामने वाला ऑप्ट करेगा। सो ये चीज़ है जो मैं शायद ओल्ड कल्चर बोली जाऊँ, मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ कि यू नो मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर कोई सच में आपके लिए बहुत मायने रखता है तो आप ज़रूर हाथ में हाथ डाल के घूमिए, लेकिन हर किसी के साथ हाथ में हाथ डाल के गले में डाल के और बहुत कैजुअल लैंग्वेज में तुझे थप्पड़ मारूंगी और मैं तुम्हें घूसा मारूंगा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स।
ये सेम मेरा भी मानना है, इवन सबका, इवन आई फील आपके फ्रेंड्स आप यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। जो उसने एक लाइन बोली थी कि कौन फ्रेंड है, कौन बहुत क्लोज फ्रेंड है, कौन स्पेशल है, राइट। अच्छा, सिर्फ एक ही है जो लास्ट लाइन थी, वो थोड़ा वो रहा था कि ओके यू आर रिजिड, आई डोंट लाइक, बट हो सकता है हमारा इसमें यंग क्राउड भी है एंड शायद उनका मानना हो कि हाँ, कुछ गलत नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो वो एक लास्ट लाइन को जो आपने बोला है, वो लास्ट लाइन निकाल दीजिए। यही एक चीज है जो मैं ओल्ड फैशन वे में पसंद करना पसंद करूँगी। ठीक है, ओके साक्षी, आपकी लाइफ का कोई एक दिन जहाँ पर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना ले, आप अपनी तरीके से जीना चाहती है, तो वो कैसा होगा? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, कैसा होगा? वो पूरा मेरा ही दिन होगा। तो मैं पर्सनली अगर जो रियल सुनिधि है ना, वो खूब मस्ती करने वाली, गाने सुनने वाली, और यू नो सब हैपनिंग हैपनिंग चीज़ों को पसंद करने वाली है, तो वो अंदर से है। फिर बाकी बाहर से क्या आती है, क्या बनती है, वो अलग है। वो एक है जो बचपन में थी, और मुझे ऐसा लगता है जो आप बचपन में होते हो वही आप रियल होते हो। तो वो बचपन में थी, तो मैं वही चाहूँगी कि मैं घूमना, शॉपिंग करना, मतलब मेरे पास ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बच्चा, पति, खाना, एट दैट मोमेंट तो वो पूरा फ्रीली इंजॉय करना चाहूँगी। ओके, मीता? मुझे अब ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। Sure. अगर आपको भगवान ने ऑप्शन दिया रहता कि आपको कलयुग में जन्म लेना है या सत्युग में, तो आप कौन सा चूज करते और क्यों? डेफिनेटली मैं इसमें जी रही हूँ। कलयुग मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट सत्युग मतलब जो फैसिनेटिंग है, जब रामचंद्र जी वो है सत्युग, कि सत्युग आने वाला नहीं हो गया, सत्युग इज पास्ट, सत्युग वाज फर्स्ट। नहीं, महाभारत कलयुग, महाभारत से कलयुग शुरू हो गया। सो डेफिनेटली कलयुग, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के टाइम में, ये मैंने अभी एक दो दिन पहले भी मेरे दिमाग में चल रहा था, कि आज के टाइम में वुमेन्स का जो यू नो स्थिति है, वो जिस सिचुएशंस में, वो जितनी बेटर है वो इससे पहले कभी भी नहीं थी। सो और आगे और अच्छी होनी है तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में शायद हम एक बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा इरा देखें वुमेन्स के लिए। सो डेफिनेटली इट्स कलयुग। ओके, मैं इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस था डेफिनेटली कलयुग, वो नहीं आना चाहिए था, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से शुरू करना था। तो याद है आपने कहा, आपको वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा। तो जो भी आपका आंसर है, यस नो या फर्स्ट कॉन्फर्मेशन, वो देने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद योर आंसर एंड इट शुड लीड टू व्हाट यू वांट टू से। हाँ बोलिए सुनिधि, आपको अगर भगवान ने लड़का बना के पैदा किया तो आप क्या करते? तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होता, मतलब अपनी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए वो शुरू से होती आती, मतलब इजी गोइंग होता। अच्छा सुनिधि, वो आंसर जो हो रहा है ना आपका, ये सब में आ रहा है थोड़ा थोड़ा चैलेंज, जो स्टार्टिंग हो रही है ना वो शॉर्टकट हो रहा है। अच्छा हाँ, उसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में बोलिए, बिल्कुल आप इंस्टेंट बिकॉज दिस, तो जब आप सुनेंगे आपको समझेगा। अच्छा ठीक हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ शायद थोड़ा इजी गोइंग होती, क्योंकि जो मुझे बनना होता एग्जैक्टली पेरेंट्स उसको ज़्यादा सपोर्टिव वे में लेते, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मैं गर्ल हूँ, शादी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते अगेन कि एक सही एज में शादी करनी है, देन फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते क्योंकि शायद मैं वही फर्स्ट ब्रेड ओनर होती, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए शायद। तो आप क्या करती? तो क्या करती, क्या आप क्या करती? ये तो होती अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है,
बट उसमें मैं क्या करती, आप अगर लड़के होते तो आप क्या करते, उसमें मैं क्या करती, मैं क्या बनती, दैट्स मींस कि मैं क्या करती कि जैसे आज आपका ड्रीम है, मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी से एज अ गर्ल, आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी से, आप फैमिली से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपने अपने पहले उत्तर में कहा था, तो अगर आप लड़के होते तो क्या आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को उतनी ही बेहतरीन तरीके से निभाती, तो वो मैं कहना चाहूंगी अच्छा, कि आप लड़के होते तो क्या करते? हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो मेरा फीलिंग्स है, मतलब मैं बायस्ड नहीं रहती, और वैसे ही मुझे लगता है कि मतलब जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए होना चाहिए वही मुझे लगता है लड़कों के लिए होना चाहिए, मुझे अलग नहीं लगते कि रूल रेगुलेशन है। तो अगर मैं बॉयज़ भी होती ना तो मुझे लगता है मेरी फीलिंग्स ऐसी ही होती, तो तब भी मैं अपनी फैमिली को प्रिफर करती, तब भी मैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती, तब भी मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करती, और एवरीथिंग मतलब मेरे प्रिंसिपल सेम रहते। That you could change, what would that be? Law. It's legal law or any culture? Law कर लो या फिर कोई society में कुछ जो हमारे social norms होते हैं, तो आप क्या change करते हैं? इधर हमें लेना 16. This last question. तो लॉ में क्या, सोसाइटीज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज करने। एक चीज़ आप बताइए जो आप चेंज करते हैं और क्यों करते हैं। इंटरेस्टिंग, अच्छा वैसे तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी सडनली चीज़ मेरे माइंड में आई है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। जैसे गर्ल्स है ना, तन्वी ने आज जैसे बोला था, शायद कंचन जी से क्वेश्चन पूछा था कि जब लड़कियां हम लोग की जनरेशन है वो बहुत पैम्परिंग में पल बढ़ रही है, और देन वो दूसरी फैमिली में जाती है और उसको उस तरीके की पैम्परिंग नहीं मिलती। सो उस पर मेरा एक बिलीव है जो मुझे पर्सनली लगता है, वो मेरा अपना पर्सनल बिलीव है, मुझे लगता है एक लॉ है, हम लोग कहते हैं कि लड़की जब शादी करके घर में जाती है तो उसे घर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, नए फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, नए रूल्स रेगुलेशंस सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले आपको उस लड़की को एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट्स माय बिलीव। आप क्योंकि क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए उस घर का माहौल ऐसा बनाते हैं कि उसे वो कंफर्ट जोन मिले, कि वो रियलाइज करे कि ये मेरा परिवार है। वो कंफर्ट जोन उसे देने की कोशिश करते हैं, उसे कैसा सोना है, उसे कैसे उठना है, उसे कैसे बैठना है, ये हम उसे देने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई अपना पूरा पीछे का जिंदगी आपके लिए छोड़ के आपके परिवार में शामिल होने के लिए आया है, तो फर्स्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वो कम्फर्ट दें। अगर आपने वो कम्फर्ट उसे दे दिया, देन सेकेंडली वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेगा। कि अगेन मैं कहूँगी, जसप्रीत मैम ने जो कहा था कि वुमेंस में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट करें, वो देना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे इंडियन कल्चर में जल्दी लोग दे नहीं पाते। ये आंसर मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो मेरे को ये आंसर एक्सपेक्ट किया। वेरी नाइस।